नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के आए दिन जो खबरें आती रहती है वो हम सभी के सामने है, लेकिन आज उन्होंने रिमोट कंट्रोल जैसे शब्दों को लेकर के जो है अपनी आवाज उठाई है और यहाँ पर पलटवार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किया है। जी हाँ, पहले बीते दिनों की बात कर लेते हैं। बीते दिन हमने रिमोट कंट्रोल वाले शब्द किन किन के लिए सुना। सबसे पहला, जब राष्ट्रपति चुनाव होने थे तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए ये शब्द सबसे ज्यादा विपक्षों की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे, जब ये कहा जा रहा था कि अगर राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो देश के लिए जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगी तो वो रिमोट कंट्रोल अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देंगी और बीजेपी की तरफ से जो है उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करके काम करवाया जाएगा। दूसरी तरफ जो है उनको लेकर के यही बात उठी थी कि क्या रिमोट कंट्रोल वाली स्थिति जो है वो बीजेपी के अंदर और भी तमाम नेताओं के ऊपर है। अभी किसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से रिमोट कंट्रोल वाली बात जो है वो इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों बोला और इस मुद्दे को आखिरकार उन्होंने दोबारा से क्यों उठाया, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, रिमोट कंट्रोल वाली बात जो है एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बोला था, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जीत दर्ज करके कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठे थे तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए लेकिन रिमोट कंट्रोल तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में ही होगा। उनके जनसभा के दौरान बोले गए ये शब्द जो है अब उन्हीं के ऊपर हावी हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी का करारा जवाब देते हुए जो है अपना बयान उन्होंने जारी किया और अपने बयान के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है कि चलिए मैं तो रिमोट कंट्रोल के तहत कार्य कर रहा हूं, चलिए मेरा रिमोट कंट्रोल तो फिर भी गांधी परिवार के पास है, मान लिया हमने, लेकिन जेपी नड्डा का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके हाथ में है। आप सभी को बता देते हैं कि जेपी नड्डा जो है वो यहां पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में जब कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर बात आई तो उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के जो है निशाने साधे और जेपी नड्डा को इस पूरे मामले में घसीटते हुए जो है उनके ऊपर आरोप लगाए कि आप भी एक रिमोट कंट्रोल के तहत काम कर रहे हैं, आप खुद से काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो आपको चला रहे हैं और आप उन्हीं के हिसाब से जो है कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को लेकर के जो ये खबरें आ रही है कि उनको भी कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, क्या वो वाकई सच है? क्या आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो गुस्से में ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्या सच में जमीनी स्तर पर यही स्थिति है? क्या कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।